NCP MLA and the grand nephew of Sharad Pawar, Rohit Pawar, is currently being questioned by the Enforcement Directorate at the Ballard Estate office in Mumbai. Rohit Pawar was accompanied by his aunt Supriya Sule when he arrived for questioning. NCP Chief Sharad Pawar is also at the NCP office, which is located, in fact, right next to the ED office in South Mumbai, while his grand nephew is being questioned in connection with the Maharashtra State Cooperative Bank scam case. Supporters of Rohit Pawar, meanwhile, gathered outside the NCP office in solidarity with the young Pawar, who is an MLA from the Karja Chamkhand constituency. So this, of course, is the latest that is coming in as Rohit Pawar is, in fact, being questioned by the Enforcement Directorate. A large number of NCP protesters actually gathered right outside the NCP office, which is just adjoining the Ballard Estate ED office where Rohit Pawar is, in fact, being questioned. Before we get you a live update from Ground Zero, quick check on the reactions. ये तो बहुत सारे फाइल्स मैं लेके जा रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी के ऑफिस और उनके अधिकारियों ने मांगे वो सब लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ वो जो भी पूछेंगे उसको मैं उत्तर दूंगा और जो भी सपोर्ट करना है वो सपोर्ट मैं वहाँ पे करूंगा। बस क्या कहीं ना कहीं टैक्टिक्स है प्रेशर करने की, जिस तरह से लगातार ईडी के नाम पे ऑपोजिशन लगातार आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकली अगर साथ में शामिल हो गई है ईडी। अगर आप ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूंगा। See, investigations must be transparent and fair. I have full faith in the ED and I'm sure that they will hear Rohit's side. He has come. We are going to completely cooperate with all the agencies because we really have nothing to hide. All right, and my colleague Ronak joins us live from outside the ED office where Rohit Pawar is currently being questioned. Ronak, we saw pretty dramatic scenes as Rohit Pawar entered there, massive show of strength by the NCP, workers protesting outside the office, his aunt and grand uncle accompanying him there, etc. So what's really going on at the moment? जी देखिए, पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है और इसीलिए आज जब रोहित पवार को, पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 2019 में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ने इस मामले में जो है वो एक FIR दर्ज की थी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने, जिस वक्त महाराष्ट्र की कई चीनी मिले जो बीमारी हालत में थी या फिर जिसे ये कहा जा सके कि सीख पड़ी हुई थी, उनका ऑक्शन किया था। उन्हीं में से एक मिल थी कनाडा सहकारी चीनी मिल, जिसके ऑक्शन में बारामती एग्रो कंपनी ने जो है वो बीड की थी। इसके अलावा एक और कंपनी ने बीड की थी और इसमें मुख्य तौर पर आरोप ये है कि ये जो बीड प्रोसेस की गई है इसमें पूरी तरीके से रिगिंग की गई। जिस दूसरी कंपनी ने भी बारामती एग्रो के साथ इस चीनी मिल को खरीदने के लिए बीड किया था, उसके लिए भी पैसे बारामती एग्रो ने ही प्रोवाइड करे गए थे, ये आरोप लगाए गए हैं। और जो उन्हें ये कहा गया था कि जो बीड का अमाउंट है वो बारामती एग्रो से कम होना चाहिए। इतना ही नहीं तो ये भी आरोप लगाए गए कि मुख्य तौर पर जो मार्केट रेट में ये चीनी मिले महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को देनी चाहिए थी, उससे बहुत ज़्यादा कम कीमतों में ये चीनी मिले जो है वो बारामती एग्रो को दी गई। तो इस तरह के जो कई गंभीर आरोप है उसको लेकर आज ईडी जो है वो रोहित पवार से पूछताछ कर रही है। मेरे कैमरा पर्सन अमित पवार आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये ईडी का मुख्य दफ्तर है मुंबई का, जहाँ पर तीसरी मंजिल पर फिलहाल रोहित पवार से चार ईडी के अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रहे हैं। तो काफी गंभीर आरोप यहां पर रोहित पवार और बारामती एग्रो पर है। 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने बारामती एग्रो पर इस पूरे मामले में छापेमारी भी की थी। उस दौरान जो बारामती एग्रो के कई बड़े अधिकारी है उनसे भी पूछताछ की थी, उनके भी बयान जो है वो दर्ज कराए थे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज क्या कुछ इस मामले में होता है, क्या रोहित पवार की इस मामले में गिरफ्तारी होती है, क्योंकि ये जब मामला मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की निगरानी में ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है। और उसके बाद ईडी ने जब इन्वेस्टिगेशन हाथों में ली तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं उसमें रफ्तार देखने को मिल रही है। और बारामती एग्रो पर जिस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं उसका आज रोहित पवार को जवाब देना है कि जो दूसरी बीड करने वाली कंपनी थी उसको बारामती एग्रो के ही किसी व्यक्ति के अकाउंट से पैसे डाइवर्ट कराए गए। तो एक गंभीर आरोप है और इस पूरे मामले की जांच और जो सच्चाई है वो ईडी जानना चाहती है। जी
All right, Ronak, thanks very much for joining us with that update. So as far as Rohit Pawar is concerned, he is currently being questioned. He says he has nothing to hide. He's willing to cooperate with the central agencies. The NCP, meanwhile, protesting there outside the ED office. Supriya Sule dropping Rohit Pawar. So all of this, remember, a massive show of strength after Ajit Pawar quit from the NCP and joined ranks with the BJP.